मॅच ऑन तमाम रसिकांचं पुन्हा एकदा स्वागत संदीप मकवाना पहिला चेंडू घेऊन यावेळी द मोर्चा चेंडू सुंदर फटका चेंडू बराच का, का हवेमध्ये आहे संदीप मकवानाचा पहिला चेंडू खराब होता आणि या चेंडूला पाठवलाय डीप कोर पण सीमारसच्या पलीकडे आलाय संजीवनी चौकार ऐश्वर सुर्वेच्या बॅटमधून पाठवलंय डीप कोरपण सिमरेशच्या बाहेर सुंदर चौकार एका मोठ्या फटक्याने खातं ओपन आहे स्वतःचं पर्यायन संघाचं देखील संदीप मकवानाचा पुढचा चेंडू समोर टाकलाय ड्राईव्ह केले क्षेत्ररक्षक आहे मिडॉनला चेंडू ओढवला जाईल आणि त्यानंतर जोपर्यंत चेंडूची फेकी एकेरी धाव एकेरी धाव सांघिक धावसंख्या मात्र वधारते ती पाच धावांवरती सांघिक पाच धावा असा धावफलक आहे पहिल्या षटकाचा खेळ आपण सगळेजण बघतोय महेंद्र आला होता स्क्रीनवरती ज्याने सुंदर असं क्षेत्ररक्षण केलं चेंडूची परती केली त्यानंतर एकेरी के धाव प्रथमच स्ट्राईकवरती येईल डावखुरा फलंदाज सुहास पवार ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये थोडंसं निराश केलंय मात्र यावेळेला मोठी जबाबदारी घेऊन तो मैदानामध्ये दाखल झालाय दोन्ही तगडे संघ आहेत एकमेकांच्या विरोधामध्ये आपली ताकद जमवत आहेत हा ट्रॅकर यावेळेला ओळखलाय पिक केलंय चेंडूला मात्र क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये डेब स्क्वेअर लेग क्षेत्रक्षकाच्या गोदीमध्ये सुहास पवार गोल्डन चा शिकार शून्य धावांची बॅग डोक्यावरती घेऊन तंबूच्या आश्र्याला परतलाय पहिल्या गड्याच्या रूपाने ठरवलं आहे आणि एकेरी धाव ले तर जलदगतीने पूर्ण केल्यानंतर बहुधा स्टेपिंग केली आहे आणि त्यामुळे पंचांनी या चेंडूला अवैध ठरवलं आहे अतिरिक्त धावांनी दोन धावा मिळतील या चेंडूवरती धावूसंख्या सरकली आहे सातवरती एक बाद सात एम एस धोनीच्या जर्सी क्रमांकावरती धावूसंख्या परावर्तित झाली आहे एका गड्याच्या मोबदल्यात सात प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानाच्या हातमध्ये आपण पाहतोय आय सी सी सागवे क्रिकेट संघ आय सी सी सांगवे क्रिकेट संघाच्या समोर नेट अँड डोलमेकर कात्री क्रिकेट संघ हा दाखल झालाय आपलं नशीब अजमावत आहेत दोन बलाढ्य संघ तुम्ही बघता एन सी सी कातरी चॅम्पियन ट्रॉफी दोन हजार तेवीसचा रणसंग्राम बॅटच्या स्लॉटमध्ये यावेळेला चेंडूला भिरकवून दिलाय काऊ क्षेत्राच्या डोक्यावरून ऐश्वर्य सुरूच्या बॅटमधनं पहिला धमाका आलाय षटकार एका मोठ्या फटक्याने धावसंख्येने एवढी घेतली आहे तेरावरती धावसंख्या आहे तेरा एका गड्याच्या मोबदल्यात चार चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपला आहे पाच षटकांची मर्यादित लढत पहिलं षटक थोडंसं महागडं आणि हे अति महागडं होण्याचे सुचिन्ह कारण या षटकातील अधून दोन चेंडूंचा खेळ हा बाकी असेल ऐश्वर्याला रोखावं लागेल या मॅचमध्ये तीन चेंडूमध्ये आतापर्यंत अकरा धावा फलंदाज ऐश्वर्य सूर्येच्या बॅटमधून संदीप मकवाणाचा यावेळेला चेंडू हलकेच प्लिक केलाय का चेंडूला तर निश्चितपणे एकेरी धाव गल्ली गेली आहे सुंदर फटका एका चांगल्या क्रिकेटरचं एक उदाहरण आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला आहे एक मोठा फटका आला आहे त्यानंतर संयम दाखवला आहे म्हणजे क्रिकेटमध्ये जोश आणि होश या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात आणि त्या दोन्ही गोष्टी अगदी ठासून भरले तर ऐश्वर्य सूर्येच्या अंगामध्ये आणि ऐश्वर्य सूर्य एक अनुभवी असा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपलं योगदान देतो आहे आतापर्यंत चार चेंडूमध्ये त्याने बारा धावा बनवलेत संख्या परावर्तित झाली आहे चौदा धावांवरती एका गड्याच्या मोबदल्यात पहिलं षटक अखेरचा चेंडू संदीप मगवानाक बोलंदाची मार्कवरती सचिनच्या बॅटमधनं आलाय फटका धावबाद करायची संधी संधी जरूर होती आणि यावेळेला संधी गमावली आहे आपल्याला पाहायला मिळाला क्षेत्ररक्षक जावेद संधी चांगले क्षेत्ररक्षण केलं तर इतकी चांगली फेकी आली मात्र फलंदाज बराचसा दूर होता यष्ट्यांवरती वेध घेण्यापासून थोडासा चुकला फेकी खराब निघाली आणि यावेळेला एकेरी धाव एकंदरीत पहिल्या षटकाचा खेळ थांबलाय चौदा धावा असा आहे धाव फलक एका गड्याच्या मोबदल्यात पंधरा धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात असा आहे धाव फलक मैदानाच्या आतमध्ये ऐश्वर्य सुर्वे आणि त्याच्या साथीला राजन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय राजन परवडी उर्फ गुगा या टोपण नावाने त्याला ओळखलं जातं मोठ्या फटक्यांसाठी हा खेळाडू देखील सातत्याने ओळखला जातो मात्र यावेळेला जावेद संधीसारख्या अनुभवी गोलंदाजासमोर त्याला निश्चितपणाने कसरत करावी लागेल कारण जावेद संधीची जर आपण मागच्या सामन्यातली गोलंदाजी पाहिली तर खूप प्रभावित केलं आहे या गोलंदाजाने मात्र प्रत्येक सामना वेगळा असेल जावेद संधी बॉलिंग मार्कवरती स्ट्रायकिंग येईल आहे राजन कोलट्यापर्यंत चेंडू वेगवान टाकला होता यावेळेला वेगाचा अंदाज आला नाही स्कूप करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता मात्र चेंडू गेला सरळ प्रेक्षकाच्या दिशेने एक निर्धाव चेंडू एक षटक एका चेंडूचा खेळ आतापर्यंत थांबला पंधरा असा धाव फलक आहे प्रथम फलंदाजी करत असतानाच आय सी सी सागवे क्रिकेट संघ मैदानाच्या आतमध्ये यावेळेला लांबून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय जाग्यावरूनच खेळण्याचा प्रयत्न केला, केला। पद आली ते नव्हतं फुटवर्क नव्हतं आणि त्यामुळे चेंडू गेलाय सरळ एष दिशेने थोडीशी खराब कामगिरी एषी का आणि त्यामुळे एकेरी धाव पळून पूर्ण केली आहे एकेरी धावने धावसंख्या बदलली आहे सोळावरती एक षटक दोन चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत तुम्ही पाहिलात तर सोळा धावा असा आहे धावफलक जे प्रेक्षक उशरण आमच्यासोबत जोडले गेले त्यांच्या माहितीसाठी नेट अँड डोलमेकर कात्री क्रिकेट संघाने टॉस जिंकले आहे मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंग करतोय आय सी सी सागवे क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम ताव फलंदाजी करतोय आतापर्यंत सोळा असा आहे धावफलक यावेळेला धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला आहे संदर फेकी देखील आली नॉन स्ट्रायकर सिग्नल अतिरिक्त धाबेने का होईना धाव संख्या गेली आहे ए एबी डिविलियरच्या जर्सी क्रमांकावरती सतरा असा आहे धाव फलक क्रिकेटमध्ये सतरा हा अशुभ अंक जरूर मानला जातो यावेळी हाच आकडा फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी अशुभ ठरेल का विकेट जाऊन की दुसऱ्या बाजूला एक मोठा फटका पडल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघासाठी हा आकडा अशुभ ठरेल गुगा आहे स्ट्रायकिंग येणला मोठ्या फटक्यासाठी ओळखला जातो हा खेळाडू मात्र समोर तितकाच दर्जेदार गोलंदाज फुलटॉज खराब चेंडू दिशा दिली या चेंडूला क्षेत्रक्षकाने छलांग लगावली हवेमध्ये हो शरीफ क्षेत्रक्षक आपल्याला पाहायला आहे सुंदर क्षेत्रक्षण संभाव्य चौकाराला आहे आणि आम्ही सातत्याने सांगतो की गोलंदायाचा पाठीराखा म्हणून क्षेत्रक्षकाला ओळखलं जातं तो क्षेत्रक्षक यावेळी खंबीरपणे पाठीमागे उभा आहे त्यामुळे संभाव्य चार धावा गोलंदाजच्या खात्यातनं वाचलेत आ, काही वेळातच या ठिकाणी राजापूरचे माजी नगराध्यक्ष श्री जमीर खलिपे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे यावेळेला चेंडू गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय सुंदर चौकार फलंदाज ऐश्वर सुर्वेच्या बॅटमधून थँक्यू ढजे राजापूरचे माजी नगराध्यक्ष जमीरबाई खलिपे यांचं इथे आगमन होतं आहे मुख्यमंचावर आपल्याला पाहायला मिळतील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होतो आहे परंतु दावा किती मिळतील याकडे लक्ष असेल एक दाव पूर्ण केली जाते चौकार येते पण ज्यांचा चुकीचं क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालं जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अमोल जमदाडे सर जमीरबाई खलिपे यांचं इथे आगमन ओ यू कॉमेंट्री बॉक्स प्रथम फलंदाजी करत असतानाच आय सी सी सागवे क्रिकेट संघ या मॅचमध्ये पाच षटकांची ही मर्यादित लढत त्यामध्ये सुरुवातीची दोन षटकांचा खेळ आपण पाहिलाय धावसंख्या संख्या आहे सव्वीस धावा राजन खेळतोय पाच चेंडूमध्ये चार धावांचं योगदान त्याने आतापर्यंत दिलंय ऐश्वरी सूर्येचा मात्र एक धमाका पाहायला मिळालाय ऐश्वरी सूर्य नावाचं वादळ मैदानाच्या हातमध्ये गोंगावलंय सात चेंडूमध्ये आतापर्यंत वीस धावांची तडाखेबंद खेळी ऐश्वरी सूर्येची मैदानाच्या हातमध्ये तो साकारत असतानाच गोलंदाजीमध्ये बदल गोलंदाजी मार्गवरती विनायक स्वामी हा गोलंदाज सज्ज झाला आहे क्षेत्रक्षण करणारा कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक तगडा संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय मुंबईवरून हे सगळे खेळाडू या ठिकाणी दाखल झालेत मुंबई परिसरातील असतील रायगड पनवेली या परिसरातील सगळे खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालेत कल्याण डोंबिवलीचे देखील खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत एकंदरीत चांगलं क्रिकेट या म स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं आहे दोन षटकामध्ये आले तर सव्वीस धावा अखेरच्या अजून तीन षटकांचा खेळ असेल बाकी पहिल्या इनिंगचा यावेळेला वेगवान चेंडू आलाय सुंदर फडका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला मात्र यावेळेला बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क नव्हता चेंडू गेलाय सरळ एस टी रक्षकाच्या दिशेने गुगाला थोडासा संयम दाखवावा लागेल आतापर्यंत सहा चेंडूमध्ये केवळ चार धावा गुगाच्या खात्यावरती आहेत मर्यादित षटकांच्या लिमिटेड ओव्हरमध्ये तुम्हाला कमी चेंडूमध्ये जास्त धावा बनवायचे असतात त्यामुळे थोडीशी निराशाजनक कामगिरी आहे राजांची यावेळेला देखील वाईटशी हरकट टाकलाय चेंडूला कौतुक करावं लागेल विनायक स्वामीचं दर्जेदार गोलंदाजी आता मात्र खराब फलंदाजी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सात चेंडूमध्ये वीज धावा बनवणारा फलंदाज तुमच्या सोबत आहे थोडंसं कानमंत्र द्यावा लागेल ऐश्वर्य सुर्वेला कारण असं म्हणतात की क्रिकेटमध्ये मोठ्यांची मार्गदर्शन सातत्याने आवश्यक असतं सुबह की चाय और बडों की राय अनुसार लेणी चाहिए यावेळेला देखील काय घडलंय चांगला चेंडू आहे आणि धावबाद करण्याची संधी देखील आहे स्वतःची विकेट बहाल केली आहे या मॅच मध्ये गुगाने आणि तीन चेंडूंचा सरग सामना करून तिन्ही चेंडू डॉट आलेत एकंदर जर तुम्ही विचार केला तर सात चेंडूमध्ये अवघ्या चार धावा बनवलेत राजनने आणि सोस्तात माघारी परतलाय दुसऱ्या गड्याच्या रूपाने धावबाद स्वरूपात कारण स्ट्रायकिंग इंडला जाण्याचा प्रयत्न केला ऐश्वर्य सुर्वेने धावफलक आहे सव्वीस धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात या वेळेला फुल टॉस बनवलंय टायमिंग साधलाय आणि सुरेख एक टायमिंग बेमी बेमिसाल चेंडूला भिरकवून दिलंय मिड विकेट बाउंड्री यांच्या बाहेर आलाय षटकार डीजे षटकार क्रमांक तीनशे बारा या स्पर्धेतला तुम्ही पाहिलाय तीनशे बारावा षटकार दिनू कांबळेच्या बॅटमधून निघालाय मोठा षटकार त्याने ठोकला एका चेंडूमध्ये सहा धावा बनवलेत धाऊ संख्येने एवढी घेतलीय तीन षटकांच्या सांगते करीस पस्तीस धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात सुरुवातीचे तीन चेंडू तर निर्धाव टाकले होते चौथ्या चेंडूवरती एक धाव पाचव्या चेंडूवरती एक धाव आणि एक सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती विनायक स्वामीची मात्र शेवटचा चेंडू खराब फुलटॉस टाकला होता लोअर फुल चेंडू चेंडूवरती एक मोठा प्रहार केलाय दिनू कांबळेने षटकाराने आपलं खातं उघडलंय पस्तीस धावा अठरा चेंडूमध्ये सुरुवातीच्या बनवलेत तर प्रथम फलंदाजी करत असतानाच आय सी सी सागवी क्रिकेट संघ या मॅचमध्ये या अगोदरची मॅच तुम्ही पाहिली उमेश इलेवन हुमरड क्रिकेट संघाचा त्यांनी पराभव केला आहे तब्बल पाच षटकामध्ये सत्तर धावांचा यशस्वी पाठलाग आय सी सी सागवी क्रिकेट संघाने या मॅचमध्ये बनवला होता आणि त्यानंतरची दुसरी मॅच आपण त्यांची पाहतो आहे नेट अँड डॉमिनेटर कात्री क्रिकेट संघाच्या विरोधामध्ये तीन षटकामध्ये आले तर पस्तीस धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात जावेद संधीचा यावेळी खराब चेंडू बॅटच्या स्लॉटमध्ये खूप लांबून खेळला होता फटका ऐश्वर्य सुर्वेने ऐश्वर्य सुर्वे आता मात्र नावाचं वादळ मैदानामध्ये गुंगावलंय आणि चेंडूला भिरकवून दिलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय षटकार फटका देखील एक सुंदर पाहायला मिळाला आडव्या बॅटने खेळलेला हा फटका होता ऐश्वर सुर्येच्या बॅटमधून दहा चेंडू एकोणतीस धावांची बहारदार खेळी यावेळेला फटका फसलाय का ऐश्वर सुर्वे नावाचं वादळ शमवणारा चेंडू जावेद संधीचा यावेळेला हे वादळ थोपवलंय आणि ऑफ्टमोडचा चेंडू अप्पर कट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये सापडलाय ऐश्वर सुर्वे पॉइंट शेतरक्षकाच्या गोदीमध्ये तिसऱ्या विकेटचं पतन दाऊ संख्या आहे एक्केचाळीस तीन षटक आणि दोन चेंडूंच्या सांगते अखेरीस आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच हा किताब ज्याला पुरस्कृत करण्यात आला होता सचिन शिवणेकर मैदानाच्या आतमध्ये चालला आहे मात्र बाद होणारा फलंदाज तुम्ही पाहिला ऐश्वर्य सुर्वेला अकरा चेंडूमध्ये एकोणतीस धावांची तुफानी खेळी त्याच्या बॅटमधून एक्केचाळीस धावांची टोटल आहे तीन गड्यांच्या मोबदल्यात तीन षटक आणि दोन चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झाला आहे नॉन स्ट्राईकला आहे दिनू कांबळे स्ट्रायकिंग इनला सज्ज झाला आहे सचिन शिवणेकर मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिली मात्र प्रत्येक मॅच वेगळी असते यावेळेला त्याच्यासमोर मोठं आव्हान घेऊन जावेद संधी उभा राहिला आहे कारण जावेद संधी हा अष्टपैलू खेळाडू आहे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या नेट डोलमेकर कात्री क्रिकेट संघाचा यावेळेला मात्र त्याच्या समोर फलंदाजी करावी लागेल संकेत सचिन शिवणेकरला रिवर्ससाठी मी केला आहे रिव्हर सिपचा फटका म्हणजे दूध तलवार लागली तर आबाद आणि नाही लागली तर बरबाद यावेळेला आबाद तर जरूर राहिला आहे मात्र धाव निघाल नाही आहे चेंडूवरती सचिन शिवणेकर थोडीशी नजर बसवावी लागेल आल्या आल्या मोठे फटके खेळणं थोडंसं अवघड जातं मात्र लिमिटेड ओव्हरमध्ये आल्या आल्या आक्रमण देखील करावं लागतं यावेळेला बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू खेळला आहे क्षेत्रक्षक आहे आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतो आहे जोपर्यंत चेंडूची परती करेल एकेरी धाव मैदनाच्या आतमध्ये बनवली गेली एकेरी दुहेरी धावांनी आता मात्र धावफलक वाढवण्याचा वाढवायचा प्रयत्न महेंद्र आला होता स्क्रीनवरती एक अष्टपैलू खेळाडू कित्येक स्पर्धेंचा अनुभव आहे या खेळाडूकडे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी त्याने खूप मोठं योगदान आतापर्यंत दिलं आहे धावसंख्या सरकली आहे बेचाळीस धावा तीन गड्यांच्या मोबदल्यात तीन पॉईंट चार षटकांचा खेळ आत्तापर्यंत समाप्त झाला आहे यावेळेला फ्रंट फुट वरती आलाय मोठा फटका गगन चुंबी फटका आहे मात्र यावेळेला क्षेत्रक्षकाला हाय हॅलो करून टाटा गुड बाय करून मिडविकेट बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे गेलाय षटकार संधीने आतापर्यंत एक पॉइंट पाच षटकामध्ये तेवीस धावा खर्च केलेत आणि एक सफलता मिळवली आहे यावेळेला हा ट्रॅकर होता ओळखलं पिक केलं चेंडूला आणि यावेळेला पाठवून दिला बाउंड्री बॉउ्रीच्या बाहेर दुसरा धमाका दिनू कांबळेचा मोबदल्यामध्ये चौपन्न धावा असा आहे धाव फलक प्रथम फलंदाजी करत असतानाच आय सी सी सागवी क्रिकेट संघ या मॅचमध्ये दिनू कांबळेचा स्ट्राईक रेट तुम्ही बघा तीन चेंडूमध्ये तब्बल अठरा धावा त्यांनी बनवलेत म्हणजे सहाशेच्या स्ट्राईक रेटने मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करतोय दिनू कांबळे दिनू कांबळेला रोखावं लागेल थोडासा विलंबाने मैदानामध्ये आला आहे मात्र देरीसे आया लेकिन दुरुस्त आया संघाची गरज ओळखून मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करतोय दिनू कांबळे आणि दुसऱ्या बाजूला मागच्या सामन्याचा सुपर हिरो ठरलेला फलंदाज सचिन शिवनेकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे दोन चेंडूमध्ये आतापर्यंत केवळ एक धाव त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिली पहिल्या इनिंगचं अंतिम षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्ग पडते गोलंदाज सज्ज होईल अनिकेत माने अनिकेत माने पहिल्या इनिंगचं अंतिम षटक अर्थातच पाचवं षटक या ठिकाणी हाताळेल अनिकेत मानेकडे या सामन्याचं अंतिम षटक दिलंय पहिल्या इनिंगचं नेट डोलमेकर कात्री क्रिकेट संघाच्या बाजूने या वेळेला उडवलंय चेंडूला ताकद एलिव्हेशन आणि लंबाई चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे यावेळेला देखील मोठा फटका सचिन ये मैच चलता हुआ आईसीसी सागवे और नेट एंड डोल मेकर्स कातली के बीच में चलता हुआ नेट एंड डोल मेकर्स ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था आईसीसी सागवे पहले बल्लेबाजी कर कर इकहत्तर एक रन बनाए जीतने के लिए 72 का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य का पीछा करने के लिए नेट एंड डोल मेकर्स की टीम अरबी समंदर किनारे खड़ा है हमारा गाँव कातली गाँव यहाँ का मुख्य व्यवसाय मुख्य बिजनेस मच्छी है मछुआरों की ज़िंदगी की एक अलग कहानी है कभी घर की रोजी तो कभी मलकुल मौत ये पानी है या आंधियों में चलते हैं ये तूफ़ानों में निकलते हैं और खौफ दिखाते मौत का ये मौत से हर दिन लड़ते हैं ना बाग चमन न खौफ सुकन हर फर्द की यही कहानी है ना प्यार है इनको महलों से इनका वतन तो पानी है पानी है जी हाँ नेट एंड डोल मेकर्स ये टीम कल इनके आने का इंतज़ार बड़े ही बेसब्री से करते हुए तमाम गांव वाले क्योंकि मुख्य व्यवसाय हमारे गांव का मछी मारी है तो उसी के साथ साथ तमाम गांव वालों ने नेट एंड डोल मेकर्स यहां पर नेट बनते हैं डोल बनते हैं तो उन्होंने एक टीम लाई है इच्चल करण जी से ये टीम संदीप मकवाना और नंदूमाड़ी बल्लेबाजी के लिए दोनों बल्लेबाज जाएंगे संदीप मकवाना के पास ताकत क्षमता है जी हाँ आनंदवाड़ी ट्रॉफी में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की 78 एट रनों की बल्लेबाजी की संदीप मकवाना ने नेट एंड डोल मेकर्स की ओर से सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे नंदू माली और संदीप मकवाना इच्छल करंजी से ये टीम यहाँ पर आज कातली पे खेलने के लिए आई है नेट एंड डोल मेकर्स इन्होंने इन पर भरोसा रखा है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आज यहाँ पर खेलने के लिए आई है तीस गेंदों में बनाने हैं बहत्तर रन बहत्तर का लक्ष्य रखा है आई सागवे ये टीम ने यमान एम्पायर का इशारा हमारे अंपायर विश्वनाथ लिंगायत सर लेग अंपायर है अक्षय कोलम्बे सर दोनों अंपायर काफ़ी अच्छे अंपायरिंग करते हुए हमारे कॉम बॉक्स में टन तुलान अंसारी लेग अंपायर है हमारे काफ़ी अच्छे अंपायरिंग करते हुए नज़र आते हुए ये तीनों अंपायर हमारे तो स्ट्राइक पर हो गए संदीप मकवाना लंबे स्ट्रोक लंबे शॉट इनके पास है अच्छी बैटिंग है इनकी कहीं ना कहीं अब अपनी टीम के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है अपने गावा चंदावाटी खेला अपने संगाचा नावा साथी खेला तो खेलना बहुत जरूरी अपनी टीम के नाम के लिए तीस गेंदों में बहत्तर का लक्ष्य है वो बहत्तर का लक्ष्य का पीछा करने के लिए नेट एंड डोल मोकर के ओर से सलामी के बल्लेबाज आए हैं संदीप मकवाना और नंदू माली और गेंदबाजी करने के लिए आईसीसी सागवे की ओर से आई कौन खिलाड़ी सुहास पवार आएगी गेंदबाजी के लिए पहली ओवर अनिवार्य पावर का खेल मैंटेटरी पावर प्ले का खेल लेकर सुहास पवार आएगी गेंदबाजी करने के लिए संदीप मकवाना राइट हैंडेड बल्लेबाज है दो खिलाड़ी थर्टी सर्कल के बाहर तैनात करेंगे एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी दो खिलाड़ी थर्टी आठ सर्कल के बाहर है अच्छी फील्ड सजाई हुई है संदीप मकवाना इनके लिए बेहतरीन बल्लेबाज है बड़ा मैच है तीस गेंद बहत्तर रन सुहास पवार गेंदबाजी के लिए संदीप मकवाना स्ट्राइक पर सामना करेंगे पहली बार पहली ओवर की पहली गेंद पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक विकेट कीपर तैनात और पहली ही गेंद पे मिली संदीप मकवाना की सफलता सुहास पवार जानते हैं जी हाँ बहुत बड़ा विकेट मिला है संदीप मकवाना गोल्डन डक के शिकार संदीप मकवाना को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन जो उम्मीदें थी नेट एंड ड मेकर्स ये टीम की तमाम सपोर्टर्स की तमाम दर्शकों की उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए गोल्डन डक का शिकार वापस आना पड़ेगा वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे नए बल्लेबाज प्रवीण पाटिल ये बल्लेबाज जाएंगे अच्छी टीम है नेट एंड ड मेकर्स ये चल करण जी से यहाँ पर आज खेलने के लिए आई है प्रवीण पाटिल जाएंगे वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए सो so, अब कहीं ना कहीं सोच समझ कर खेलना बहुत जरूरी है साझेदारी को बनाना बहुत जरूरी है नंदू को सोच समझ कर खेलना बहुत जरूरी है क्रिकेट अनुश्विकताओं का खेल है इसके सामने प्रेडिक्शन भी फेल है इस ग्राउंड पर आप बता नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले दिन में जो टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो राजा राम वॉरियर्स सावंतवाड़ी की टीम गोपाल भट्टा की टीम दूसरे दिन हाफिज़ इलेवन विजयदुर्ग की टीम और कल के दिन में जो टीम सेमीफाइनल में प्रवेश की है वो मुस्तफा लांजा की टीम आज ये चौथा दिन दिन चौथे में कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी फिलहाल ये मैच चलता हुआ आईसीसी सागवे बनाम नेट एंड डोल मेकर्स इनके बीच में चलता हुआ डक का शिकार संदीप मकवाना सुहास पवार की अगली गेंद कट किया है दो खिलाड़ियों के बीच में से पॉइंट खिलाड़ी पीछे डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई खिलाड़ी तैनात तो जब तक कि खिलाड़ी जाते दो रन पूरे कर लिए इस दो रन के मदद से टीम का खाता खोलेगा टीम का स्कोर दो रन दो गेंदे हो चुके हैं यहाँ से शुरुआत करना बहुत जरूरी है जब वह सगड़ सम्पला से वाटे ना तीस खरी शुरुआत हस्ते जी हाँ खुद के ताकत पर भरोसा रखो तब आपकी टीम आप पे भरोसा रखेगी इस बीच सुहास पवार गेंदबाजी करते हुए रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो पंद्रह का है बीच थोड़ा सा सफल होकर फाइनलिक के ऊपर से खेलना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं सफल हुए थे गेंद बल्ले का संपर्क नहीं टीम का स्कोर पहली ओवर का खेल चलता हुआ तीन गेंदे हो चुके पहली गेंद पे सफलता मिली संदीप मकवाना और उसके बाद अब प्रवीण पाटिल गए हैं बल्लेबाजी के लिए सुहास पवार की अगली गेंद अच्छा शॉट टाइम अच्छा हुआ है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से यह निकला प्रवीण पाटिल इनके बल्ले से सीमा रेखा पार एनसीसी इस सिक्स के मदद से टीम का स्कोर आठ रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ पहली ओवर का खेल चलता हुआ अगली गेन फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक कैच का मौका खिलाड़ी तैनात तो कोई गलती नहीं करेगी प्रवीण पाटिल को फिर एक बार आना पड़ेगा वापस कम बैक किया एक तेरी तो एक मेरी स्पर्धेच्या ठिकाणी राजापूरवरून राजापूरचे माजी नगराध्यक्ष सन्मान्य जमीरजी साहेब उपस्थित आहेत त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ आमच्या या स्पर्धेसाठी खर्च केला आमच्या दे स्पर्धेला ते शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याबद्दल एन सी सी कात्री चॅम्पियन ट्रॉफीच्या वतीने आम्ही त्यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान आणि त्यांचा सत्कार करतो आहोत मी विनंती करेन मुस्ताकभाई काजी साहेबांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ असते आपल्या पवित्र हातांनी आपण साहेबांचा सा या ठिकाणी सन्मान करूयात एकदा ता सगळ्यांनी टाळ्यांचा गजर करा आमच्या या मायेची शाल आपण त्यांच्या पाठीवरती पांघरतो आहोत प्रेमाचं प्रतीक आणि ही उबदार शाल साहेब आम्ही तुमच्या पाठीवरती पांघरतो आहोत तुमचं असंच प्रेम आमच्या या मंडळावरती सातत्याने राहू देत आणि असंच तुम्ही आमच्या मंडळावरती प्रेम ठेवून सातत्याने आमच्या मंडळाला तुम्ही भेट द्या आणि शुभेच्छा द्या एकदा आपण सगळ्यांनी टाळ्यांचा गजर करूया कारण मित्रांनो प्रत्येकजण आपला वेळ कोणी कोणाला देत नसतो त्यामुळे साहेबांनी आपला बहुमूल्य वेळ आमच्या या स्पर्धेसाठी खर्च केला आहे ते त्याबद्दल त्यांचा आपण यथोचित या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार करतो आहोत आणि सन्मान ही अशी गोष्ट आहे साहेब ती मागून मिळत नाही ती विकतही मिळत नाही मात्र ज्यांचं कर्तृत्व मोठं आहे त्यांचा आमच्या मंडळाच्या माध्यमातून सातत्याने सन्मान केला जातो धन्यवाद ओवर टू कॉम्बॉक्स थँक यू सर सुहास पवार गेंदबाजी करते वे आगाश शानदार शानदार व अंजाम शानदार या बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की आपली टीम केले टीम का स्कोर आठ रन आठ रन तीन विकेट के नुकसान पर सुभाष पवार ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए सुहास पवार आईकॉन खिलाड़ी आईसीसी सागवे सी की ओर से और बेहतरीन भै, प्रदर्शन सुहास पवार की अगर बात की जाए तो पिछले साल यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था तालुका मर्यादित जिसमें दो आईकॉन खिलाड़ी थे तो रोहित स्पोर्ट्स वेंगरलॉ के ओर से खेलने के लिए आए थे सुहास पवार और मयूर वाघमारे पिछले साल के चैंपियन खिलाड़ी सुहास पवार आज आईसीसी सागवे की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हुए तीन विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है आठ रन नए बल्लेबाज जाएंगे मयूर अब कहीं ना कहीं सोच समझ कर खेलना बहुत जरूरी है व्हेन लाइफ पुट्स यू इन टफ सिचुएशन डोंट से वाई मी जस्ट से ट्राई मी बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू ना सूरत देखो ना मूरत देखो जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखो जरूरत के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है सोच का दायरा बड़ा होना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी जी हाँ मैच बड़ा चलता हुआ एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए नेट एंड डोल मेकर्स की टीम काफ़ी गांव वालों के दुआओं के हाथ उठे हैं इस टीम के लिए तमाम गांव वालों की टीम अपने गांव के लिए अपनी टीम के नाम के लिए खेलना बहुत जरूरी है एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए लक्ष्य बहत्तर रनरों बहत्तर के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली अनिवार्य पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है टीम का स्कोर आठ रन तीन विकेट के नुकसान पर लास्ट विकेट अनिकेत का खोया अब ऐश्वर्य सूर्य गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का कर जिम्मा लेकर आएंगे मयूर डेटबॉल एम्पायर का इशारा नंदू और मयूर दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं नंदू ने अब तक एक भी बॉल का सामना नहीं किया सलामी के बल्लेबाज गए नंदू और नंदू में क्षमता है नंदू में काबिलियत है जी हाँ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है नंदू एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर आठ रन करन रन रेट की अगर बात की जाए आठ ऐश्वर्या सुरवे ओहो टप्पा पड़ने के बाद बाहर जाने वाली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है जी हाँ इस समय आपको शुरुआत करना बहुत जरूरी है टीम का स्कोर आठ रन तेईस गेंदों में अभी भी चौंसठ रन बनाने रिक्वायर्ड रन रेट के अगर की अगर बात की जाए तो सिक्सटीन ये रिक्वायर्ड रन रेट है ऐश्वर्या सुरवे की अगली गेंद आइटम ओवर द विकेट बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे फिर एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई ऐश्वर्य ऐश्वर्या सूर्य इसी के लिए जाने जाते हैं इस ओवर के आने वाले चार गेंदों का खेल बचा है अनिवार्य पावर प्ले के दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ अगली गेंद नंदू के लिए इस बीच फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद ये खासियत है ऐश्वर्या सूर्य टेनिस क्रिकेट जगत का एक बहुत ही बड़ा नाम ऐश्वर्या सूर्य अच्छी गेंदबाजी करते हुए तीन गेंदों में सफल गेंदबाजी करने में कामयाब हुए हैं ऐश्वर्या सूर्वे जी हां अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है सुहास पवार की गेंदबाजी में आठ रन आए अगली गेंद शॉर्ट पिच दिशा की गेंद पुल किया है खड़े खड़े सक्सेसफुल हो गए गे, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन बाहर ये लगा नंदू के बल्ले से इस इनिंग का दूसरा सिक्सर सचिन खड़े नजर आते हुए बहुत ही बेहतरीन फील्ड सजाई है आईसीसी सागवे की टीम ने जी आ, सुहास पवार ऑन हैट्रिक बॉल मयूर सामना करेंगे बॉल एम्पायर का इशारा रन संख्या वहीं के वही अठारह गेंदों में चौपन की आवश्यकता रिक्वायर्ड रन रेट अगर बात की जाए तो अठारह रिक्वायर्ड रन रेट सुहास पवार की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर विकेट कीपर क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हुए क्या नजर है विकेट कीपर के टप्पा पड़ने के बाद बॉल को कलेक्ट किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं नंदू खेलते हुए छह गेंदों पे दस रन मयूर एक बॉल जीरो अगली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे क्रॉस खेलना चाहते थे शॉर्ट रीजन में खिलाड़ी तैनात रन आउट का मौका बन सकता था सुहास पवार थोड़े से नाखुश स्कोर आगे बढ़ेगा उन्नीस रन जी हाँ सेवेंटी स्कोर स्कोर टू के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेट एंड डोल मेकर की टीम आईसीसी सागवे के ओनर मुश्ताक काजी सर जी हाँ इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा प्यार रखा है उन्होंने आज यहां पर उपस्थित होते हुए नजर आते हुए अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हुए हमारे पासी का गांव सागवे गांव वहीं से आज ये टीम जी जिया आई है और काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में नजर आती हुई तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर है उन्नीस रन सुहास पॉ फिर एक बार फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए जी जब एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और राइट हैंडेड बल्लेबाज है तो फील्ड पोजीशन बार बार चेंज करनी पड़ती है अब खिलाड़ी अगर देखा जाए डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है डिप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात है और मिड ऑफ और कवर में एक खिलाड़ी तैनात है गली में एक खिलाड़ी है और डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है कुछ इस तरह से फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड जब कॉम्बिनेशन होता है तो हर गेंद पे एक फील्डिंग में सजावट करनी पड़ती है तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ उन्नीस रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है स्ट्राइक पर हो गए नंदू जिन्होंने पिछले ओवर में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की छह गेंदों में दस पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए सुहास तीन विकेट ले चुके हैं सुहास पवार अगली गेंद ललन की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ जब तक के लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते फील्ड करते एक रन पूरा कर लिया दूसरे रन की मांग खतरे की घंटी थोड़े से फंबल हुए सुहास पवार और उस बीच दूसरा रन भी पूरा कर लिया इस दो रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा ट्वेंटी वन रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ तीन विकेट के नुकसान लास्ट विकेट अनिकेत सस्ते में वापस गए कही कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत करना बहुत जरूरी है अब नंदू स्ट्राइक पर नंदू माली इच्चल करें जिसे आई वी टीम इस बीच सुहास पवास स्लॉट में गेंद जितनी ऊंची उतनी लंबी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर ये लगा एनसीसी सिक्सर थैंक यू डीजे इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर ट्वेंटी गेंद इस समय फिर एक बार फुल टॉस और बीमाल एम्पायर का इशारा खिलाड़ी ने कैच तो जरूर लिया है एम्पायर का इशारा नो बॉल है और इस बीच रनआउट का भी मौका बन सकता है थोड़ा सा लेजी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए कैच वहां पर लिया था रनआउट का मौका था नो बॉल एम्पायर का इशारा है यानी इस गेंद पर मिलेगे तीन रन इस तीन रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा तीस रन इसके बाद होने वाला मुकाबला मिजबा हॉलीडेज डीएफसी कातली वर्सेस हाया इलेवन में दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ सुभाष पवार गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर आपको अठारह रन बनाने पड़ेंगे तीस रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है इस ओवर के आने वाले अभी दो गेंदों का खेल बचा है दूसरी ओवर का खेल चलता अब तक सुभाष पवार ने उन्नीस रन खर्च कर चुके तीन विकेट मिले जो तीनों विकेट मिले हैं वो सुभाष पवार को ही मिले आईसीसी सागवे की टीम की ओर से आईकॉन खिलाड़ी है ये इस बीच अगली गेंद नंदू के लिए फिर एक बार इज कर जी हाँ अच्छी गेंद इस समय बल्लेबाज के पास मौका नहीं होता है जी हाँ अच्छी गेंद पे सम्मान और खराब गेंद पे समाचार 22 के रूप में एक एक रन मिलेगा इस गेंदाचार की आने वाली ये आखिरी गेंद तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ जी हाँ उन्नीस रन अब तक खर्च कर चुके हैं आप देखते हुए एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी दो थी, सीजन थ्री मैच नंबर ट्वेंटी नेट्स एंड डोल मेकर्स कातली के बीच में अब तेरह गेंदे और इकतालीस रनों की आवश्यकता यहां पर खेलने के लिए आया है सुहास पवार की की आखिरी गेंद इस बीच फिर एक बार पर दिशा की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं जब तक के फ्लाई स्लिप से खिलाड़ी आते फील्ड करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है थर्टी टू यहाँ से आने वाले बारह गेंदों में चालीस की आवश्यकता यानी प्रति ओवर बीस का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में आपको यहां से बीस रन बनाना बहुत जरूरी केवल बारह गेंदों का खेल बचा है बारह गेंदों में चालीस रन क्या ये बारह गेंदों में चालीस रन बनाने से आईसीसी सागवे की टीम रोक पाएगी जी हाँ टीम मीटिंग चलती हुई कैप्टन किसके हाथों में गेंद थमाएंगे वो देखने वाली बात होगी मैच काफी बड़ा चलता हुआ जो भी टीम जीतेगी वो आने वाले मैच के लिए प्रवेश करेगी जी हाँ हाय इलेवन विरुद्ध नेट ए नेट आणि आपण नाणेपिकेसाठी जोडले जायचे हाय इलेवन विजयदुर्ग नेट डोलमकर्स मिसबा हॉलिडेज डी एफ सी आपण नाणेपिकेसाठी जोडले जा मिसबा ऑलरेडीज डी एफ सी आणि हाय आय दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण नाणेपिकेसाठी जोडले जा सामना थांबलाय माहिती त्याच्या आतमध्ये काती संघाचा कर्णधार आपण हे जोडले जायचे नौशात सर यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचं नाणपीक होईल मिस हॉलिडेज डी एफ सी कातेई विरुद्ध हाय इलेवन या दोन संघादरम्यान कातेई इज कॉल हेलो मैच जल्द से जल्द शुरू करें बारह गेंदों में चालीस रनों की आवश्यकता है बारह गेंदे और चालीस की आवश्यकता जी हाँ नेट एंड डोल मेकर्स बल्लेबाजी करते हुए टारगेट रखा आईसीसी सागवे टीम ने पाँच ओवर में बहत्तर रन बनाए वो बहत्तर का लक्ष्य का पीछा करते हुए नेट एंड डोल मेकर्स की टीम क्या बारह गेंदों में चालीस रन बनाने से रोक पाएगी आईसीसी सागवे की टीम क्या नेट एंड डोल मेकर्स टीम बारह गेंदों में चालीस रन बनाएगी प्रति ओवर में 20 रन बनाने पड़ेंगे 12 गेंदे और 40 की आवश्यकता मैच जल्द से जल्द शुरू करना है गेंदबाजी करने के लिए बारह गेंदे और चालीस की आवश्यकता बारह गेंदे और चालीस की आवश्यकता बड़ा मैच चलता हुआ जी सचिन आएगी गेंदबाजी करने के लिए अब नंदू और मयूर को सोच समझ कर खेलना बहुत जरूरी है इसके बाद होने वाला मुकाबला मिस हॉलीडेज डी एफ सी कातली के बीच में जी हाँ और हाया इलेवन के इनके इसके साथ होगा नंदू सचिन की गेंदबाजी को सामना करेंगे 12 गेंदे 40 रन 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 रेट रेट 10.67 रिक्वायर्ड 20 का पहली गेंद ऊंची काफी गई है कितनी लंबी जाएगी खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से ये नंदू माली के बल्ले से निकला एनसीसी इस टूर्नामेंट का है एक सौ एक सौ बस छक्का अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए अब से गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन करना होगा पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाया है इस चक्के की मदद से टीम 38 रन पर पहुंची है मैच नंबर 25 आईसीसी सागवा वर्सेस नेट एंड डोल अब रिक्वायर्ड रन रेट यहां से पहुंचा 18.55 अब 11 गेंदों में 34 की आवश्यकता बड़ा मुकाबला है कौन सी टीम होगी जो जीत हासिल करेगी 11 गेंदे और 34 की आवश्यकता आईसीसी सागवे बनाम नेट एंड डोल मेकर्स कातली के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला हमारे दोनों अंपायर तोलान अंसारी और विश्वनाथ लिंगायत सर दोनों अच्छे अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए जी हाँ

दो गेंदे हो चुकी है टीम का स्कोर 38 रन अब 10 गेंदों का खेल बचाए 10 गेंदों में 34 की आवश्यकता फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए जी हाँ कवर के खिलाड़ी को पीछे लेके आए गए और फाइन लेग के खिलाड़ी को टटियाट सर्कल के अंदर लेके आए गए कुछ इस तरह से फील्ड की सजावट करते हुए नजर आते हुए जी हाँ ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ नंदू के लिए अगली गेंद इस समय फिर एक बार उसी अंदाज में डाली हुई गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ एक चक्के के बाद कम किया बैक टू बैक दोनों गेंदे डॉट गेंद जाती हुई तीन गेंदे हो चुकी है टीम का स्कोर 38 रन 72 के लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन गेंदबाजी करते हुए नंदू अब 13 गेंदों पर 26 पर बल्लेबाजी करते हुए रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से अब ऊपर जाता हुआ ट्वेंटी टू इस बीच फिर एक बार और पीछे छा की गेंद स्ट्रेट ड्राइव गेंदबाज के सर के ऊपर से एक रन पूरा कर लिया दूसरे के लिए जाएगी मयूर है और ये दूसरा भी पूरा कर पाएगी विकेट कीपर के हाथों में जब तक गेंद जाती दो रन पूरे कर लिए इस दो के मदद से टीम ने 40 रन पूरे कर लिए हैं मैच नंबर 25 इस टूर्नामेंट का आज का ये चौथा दिन चलता हुआ बल्लेबाज गए महेंद्र गए बल्लेबाजी तो एक डबल और उसके बाद ये रन आउट आया जी हाँ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती है और चौथी ओवर यानी निर्णायक ओवर होती है गेंदबाज की सचिन गेंदबाजी करते हुए आईसीसी साग्वे की टीम के ओर से अब सात गेंदे और बत्तीस की आवश्यकता पिछले मैच में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी छब्बीस रन बनाए थे महेंद्र ने वही बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाते लंबे कद के खिलाड़ी है बड़े बड़े स्ट्रोक बड़े बड़े शॉट इनके पास भी है अब सात गेंदे बत्तीस रन इस ओवर की आने वाली है आखिरी गेंद अब तक सचिन ने केवल आठ रन खर्च किया महेंद्र पहली बार सामना करेंगे सचिन की गेंदबाजी को चार विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है चालीस रन चौथी ओवर की आने वाली है आखिरी गेंद नेट्स एंड डोल मेकर्स कातली बनाम आईसीसी सागवे ये मुकाबला चलता हुआ इस बीच और भी दिशा की गेंद स्ट्रेट हिट अच्छा शॉट है एक रन जरूर पूरा कर लेंगे जब तक लॉन्ग ऑफ के, के खिलाड़ी आते फील्ड करते फिर एक बार खतरे की घंटी आउट का मौका अंपायर ने आउट करार दिया गया नंदू मालिक को वापस आना पड़ेगा रन आउट के रूप में जी हां महेंद्र के पास चमता है चार ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर है चालीस रन पांच विकेट के नुकसान पर इकतालीस रन जी इकतालीस रन दूसरे पे रन आउट गए नंदू माली सेट बल्लेबाज वापस आए सलामी के बल्लेबाज गए थे बल्लेबाजी करने के लिए अब नहीं बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी के लिए नेट एंड डोल मेकर्स की ओर से ऋषिकेश जाएंगे बल्लेबाजी के लिए इच्छल करंजी से आची टीम नेट एंड डोल मेकर्स टीम से खेलने के लिए आई अब छह गेंदे और इकतीस रनों की आवश्यकता फोर्टी वन रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है आईसीसी सागवे की टीम सुभाष पवार ने काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से जी हाँ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की यहाँ से अब छह गेंदों में इकतीस की आवश्यकता अब कहीं ना कहीं यहाँ से बड़े बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी है क्रिकेट में छः गेंदों में छः छक्के लग सकते हैं छः गेंदों में एक रन नहीं आ सकता ये क्रिकेट है कुछ बता नहीं सकता अब छः गेंदे और इकतीस की आवश्यकता यानी पाँच छक्कों की दरकार है इस मैच को अगर नेट एंड डोल मेकर्स को जीतना है तो छः गेंदे और इकतीस की आवश्यकता बल्लेबाजी के लिए ऋषिकेश और महेंद्र ये दोनों बल्लेबाज है स्ट्राइक होगा गेंदबाजी करने के लिए निखिल आएंगे आखिरी छह गेंदों का खेल लेकर निखिल आईसीसी सागवे के टीम के ओर से निखिल गेंदबाजी करने के लिए आखिरी छह गेंदों का खेल लेकर अब छह गेंदों में इकतीस की आवश्यकता यानी पांच छक्कों की दरकार है इस मैच को अगर नेट्स एंड डोल मेकर को जीतना है तो छह गेंदे इकतीस रन गेंदबाजी पे निखिल स्ट्राइक पर हो गए ऋषिकेश पहली बार सामना करेंगे निखिल की गेंदबाजी को लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए जी शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी तैनात है बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है और कवर पे खिलाड़ी तैनात है और डीप में ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी तैनात इस बीच पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक कैच ऊपर गई खुद गेंदबाज कैच के लिए जाएगी और एक कैच छूटा हुआ नजर आता हुआ एक रन पूरा कर लिया है इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर 42 लगता हुआ यहां से आने वाले पांच गेंदों में तीस रन यानी पांच गेंदों में पांच चक्के लगाने पड़ेंगे अगर इस मैच को जीतना है तो पांच गेंदे और पांच सिक्स क्या ये महेंद्र कारनामा कर पाएगी क्या महेंद्र पांच गेंदों में पांच सिक्स लगा पाएंगे क्षमता इनके पास है पिछले मैच में छब्बीस रनों की बल्लेबाजी की थी एक अच्छी

कहानी में ट्विस्ट है अब चार गेंदे और चौबीस की आवश्यकता मैच कोई भी जीते कोई अंदर नहीं जाएगा मैच कोई भी जीते कोई अंदर नहीं जाएगा अब पांच गे, चार गेंदे और चौबीस की आवश्यकता अगर चार गेंदों पे चौबीस बनाते तो नौशाद वाड़कर इनके तरफ से तीन हजार रुपया इस बीच कट किया हुआ शॉट रन बिल्कुल मिलेगे चार इस चार रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा हमारी महिलाओं के लिए जो गैलरी रखी वहां पर शॉट गया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में इस चार रन की मदद से टीम ने 52 रन पूरे कर ले 72 का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तीन गेंदों में 20 की आवश्यकता तीन गेंदे 20 रन तीन गेंदे बीस रन महेंद्र स्ट्राइक पर है डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगा है डीप में खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात है निकिल के अगली गेंद शॉर्ट पिच दिशा की गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास गेंद टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर थोड़े से फुम्बल होते हुए फ्लाई स्लिप में जो खिलाड़ी तैनात उनके हाथों में गेंद जाती हुई कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अब दो गेंदों में बनाने हैं बीस रन दो गेंदे बीस रन जी हां निखिल गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद और पीछे दिशा की गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी चार रन मिलेगी जरूर इस चार रन की मदद से टीम का स्कोर फिफ्टी सिक्स रन अब एक बॉल और सोलह एक गेंद और सोलह की आवश्यकता इसके बाद होने वाला मैच मिसबा हॉलीडेज डी एफ सी कातली बनाम हाया इलेवन सॉरी टू आखिरी गेंद फिर एक बार अच्छा शॉट खेला और यह मैच जीता है आईसीसी सागवे ने यह मैच जीता है सुभाष पवार का एक्सप्रेशन कहता हुआ कि हाँ यह मैच हमें जीतना था और यह मैच हमने जीत लिया है काफी बेहतरीन प्रदर्शन हुआ आईसीसी सागवे की ओर से मैच तुरंत स्टार्ट करना है मिस्बा हॉलीडेज डी एफ बनाम हाया इलेवन मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करना है मिसबा हॉलीडेज कातली बनाम हाया एलेवन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़े गए हमारे साथी कमेंटेटर मान फ्रॉम नेडो पावर्स की बुलंद आवाज प्रथमेश मेस्त्री सर ओवर टू यू सर एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें फर्स्ट प्राइज हमें दिया है दो लाख और साथ ही साथ एक आकर्षक चषक सागवे गांव के माजी सरपंच जुनेद अली साहेब मुल्ला इन्होंने फर्स्ट प्राइज और एक आकर्षक चषक दिया है सेकंड प्राइज हमें एक लाख व आकर्षक चषक ये रहमानी फाउंडेशन